आज हम बनाने जा रहे हैं जंगली करेला। तो जंगली करेला की सब्जी बनाएंगे, जो कि बहुत हद तक करेले से मिलती हुई होती है, लेकिन करेले की तरह कड़वी नहीं होती। तो मैंने बाकी तो काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और थोड़े से बचा लिए थे ताकि आपको हम दिखा सकें। ये देखिए, बिल्कुल करेले की तरह इसके अंदर बीज होते हैं। ये पका हुआ है। इसी तरह ये जो है, ये देखिए, तो इसके हम ये करते हैं कि यहाँ से और इधर से ऊपर नीचे से इसे काट देते हैं, और अगर पके हुए बीज होते हैं तो हम उसे निकाल देते हैं। और फिर उसके अलावा हम ये करते हैं कि इसको बारीक बारीक काट लेते हैं, क्योंकि ये ज़रा देर में गलती है। तो हम आपको बता रहे थे कि ये सेहत के हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी होती है, ख़ास तौर पर अगर आपका हाई बीपी रहता है उसमें बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये सब्ज़ी वज़न को कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये प्रोटीन से भरपूर होती है, आपके खून के अंदर मौजूद तमाम गंदगी को अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो दूर कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो है आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखते हैं। तो चलिए फिर हम इसकी भुजिया बनाते हैं, और इसको जगह जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए तो हम मसाले देख लेते हैं कि हमारे ये इस मीठे करेले के अंदर कौन कौन से मसाले जाएंगे। तो ये हमने दो साबुत मिर्च लिए, उनके टुकड़े कर लिए हैं। आधा चम्मच नमक लिया है, ये टेस्ट के हिसाब से कर लें। एक चम्मच धनिया पाउडर लिया, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, एक चम्मच अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट लिया है, एक चौथाई चम्मच मैंने लिया है आमचूर पाउडर, आधा चम्मच सौंफ, एक चिटकी मैंने ली है ये कलौंजी, और 8-10 दाने जो हैं हमारे मेथी के हैं, और आधा चम्मच आपका ज़ीरा है। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर के मैंने इस तरह से मोटा मोटा स्लाइस कर लिया। तो चलिए हम अपनी इस जंगली करेले की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, फ्लेम को ऑन कर लिया है, और इसके अंदर आधा चम्मच मैंने सरसों का तेल ले लिया। सरसों के तेल में बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, वैसे आपकी मर्ज़ी है, जो सा भी तेल आप यूज़ करते हो आप उसमें इसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको कढ़ा दिया ताकि ये थोड़ा इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसके अंदर से जो एक मस्टर्ड ऑयल की महक होती है जो कि कुछ लोगों को अच्छी लगती है और कुछ लोगों को बुरी भी लगती है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा पका दें ताकि इसकी महक। देखिए, हमारा ये जो तेल हमने रखा था गर्म हो चुका है, तो अब हम जो है सबसे पहले इसके अंदर अपने कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। जैसे हमने डाला जीरा, मेथी, कलौंजी। इसके बाद हम ये करेंगे, जो हमारे पास करेले थे उसको हम इसके अंदर डाल करके फ्राई करेंगे। दो तीन मिनट तक हम इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। तो अब हम इसके अंदर अपनी ये जो हमने मिर्ची काट के रखी थी उसे, और सौंफ को, और साथ में अदरक लहसुन और मिर्ची के पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। Thank you.
अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज को काट कर रखा है उसे डालते हैं। और अपने जंगली करेलों के साथ या आपके शहर में जो भी कहा जाता हो उसके साथ खूब अच्छी तरह से प्याज को भी फ्राई करेंगे। एक दो मिनट इसी तरह से भूनने के बाद हम इसके अंदर जो हमारे पास कुछ मसाले बचे हैं उसे डालेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, 3-4 मिनट ही तक ही भूने। अब ये करेंगे कि जो हमारे पास बचे हुए मसाले हैं उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, जिसमें हमारा नमक है, धनिया है, हल्दी है और ये आमचूर पाउडर है। अब इसे मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम करके इसे भूनेंगे। एक दो मिनट तक इसे ऐसे ही भूना जाएगा। ये देखिए हमारी सब्जी बहुत अच्छी तरह से 3-4 मिनट खाली तेल में, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ये देखिए भुन चुकी है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हमें ये करना होगा कि इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा, मतलब 1 बड़ा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल करके इसको 5-6 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम करके इसे पकने देंगे। चलिए 5-6 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए हमारा मजेदार क्रिस्पी करेला, जो कि जंगली करेले के नाम से भी जाना जाता है, बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये गल भी चुका है। तो अब हम इसके अंदर धनिया पत्ती डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप इस मीठे करेले को मार्केट में ख़रीदने जाएं तो देख लें ये 2 तरह का आता है, एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का। बड़े साइज का मतलब ये कि जैसे नींबू के इतना साइज का और एक बहुत छोटे साइज का। तो मैं छोटे साइज का लाई हूँ क्योंकि छोटा वाला जो होता है टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये लीजिए हमारा मज़ेदार मीठा करेला बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको रोटी पराठे के साथ सर्व करें। फ्लेम को ऑफ कर दें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ।
Thank you.